हेलो छात्रों, आज मैं आप लोग को क्लास 12 के लिए वीवीआई प्रश्न जो कि एग्जाम में आता है टिंडल इफेक्ट मतलब टिंडल प्रभाव का व्याख्या करने जा रहे हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो ये कोलाइडी बिलियन का एक प्रॉपर्टी है। टिंडल इफेक्ट क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशन का क्या है प्रॉपर्टी है, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे क्या होता है। तो बिलियन का तीन रूप होता है, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और एक होता है सस्पेंशन। तो ये कोलाइडी सॉल्यूशन में केवल ये इफेक्ट दिखाई देता है। तो ऑब्जेक्टिव इससे आता है बोर्ड में क्या आएगा एग्जाम में कि टिंडल इफेक्ट किस प्रकार के सॉल्यूशन में दिखाई देते हैं। तो हम लोग क्या देंगे, ऑप्शन में ट्रू सॉल्यूशन रहेगा, कोलाइडी सॉल्यूशन रहेगा, सस्पेंशन रहेगा, इनमें से सभी रहेगा। तो आप क्या मारिएगा, तो कोलाइडी सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर हुआ। अब इसका हम लोग इसको समझने जा रहे हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या है। तो जब वास्तविक बिलियन से इसको केवल समझना है, आपको पीडीएफ के अंत में लिखने के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के अंत में, वहां से आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। तो केवल समझिए आप वीडियो को। तो क्या है यहां, जब वास्तविक बिलियन में मतलब कोई ये वास्तविक बिलियन है, तो वास्तविक बिलियन का जो पार्टिकल होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप लोग जानते होंगे, कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो बहुत छोटा होता है, और यही कोलाइडी बिलियन रहेगा तो इसमें ये बड़ा बड़ा पार्टिकल रहेगा। तो जब प्रकाश का किरण पुंज वास्तविक बिलियन से प्रवाहित किया जाता है, मतलब यहां से सूर्य प्रकाश जा रहा है सनलाइट, तो सनलाइट जब प्रकाश करेंगे तो यहां से वास्तविक बिलियन में डार्क दिखाई देता है। तो जब सूर्य प्रकाश का किरण पुंज वास्तविक बिलियन से प्रवाहित किया जाता है तो संपूर्ण बिलियन डार्क दिखलाई पड़ता है, मतलब अंधेरा। लेकिन जब किरण पुंज को कोलाइडी बिलियन से प्रवाहित किया जाता है तो किरण पुंज का पथ प्रदीप्त हो जाता है, प्रदीप्त मतलब रोशनी देने लगता है, विभिन्न रंगों में चमकने लगता है। तो जब कोलाइडी बिलियन से इसको प्रवाहित किया जाता है तो विभिन्न रंगों में चमकने लगता है। इसी घटना को सर्वप्रथम फैराडे नामक वैज्ञानिक बतला है, मतलब ये घटना कि इसमें जो है डार्क दिखाई देता है लेकिन इसमें जाता है तो चमकने लगता है। तो इस घटना को फैराडे नामक वैज्ञानिक बतलाया, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन जो है टिंडल नामक वैज्ञानिक किया था। मतलब इसका प्रॉपर्टी के बारे में पूरा विस्तार रूप से कौन बतलाया, टिंडल नामक वैज्ञानिक, लेकिन इसको देखा था सर्वप्रथम फैराडे नामक वैज्ञानिक। तो टिंडल नामक वैज्ञानिक इसका विस्तृत अध्ययन किया, अतः इस घटना को हम लोग टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये टिंडल प्रभाव हुआ, जब इससे डार्क रहता है इसमें क्या होता है चमकने लगता है। इसका दो कंडीशन है, मतलब शर्त है कि कब टिंडल प्रभाव होगा और कब टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिस्पर्स्ड फेज का साइज प्रकाश के वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए, मतलब डिस्पर्स्ड फेज का साइज जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए किसके वेवलेंथ से। तो वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए तो ये घटना होगी टिंडल इफेक्ट, अन्यथा नहीं होगी। सेकेंड कंडीशन क्या है, डिस्पर्शन मीडियम तथा डिस्पर्स्ड फेज के बीच अधिक अंतर होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अब इसको लिखने, ये समझने के लिए था, अब इसको लिखना चाहते हैं तो अंत में पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किया हुआ है वीडियो के अंत में, वहां से आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख कर अच्छी तरह से समझे, और एग्जाम में 100% आने की गारंटी है।